मन को भला चंगा रखने का मन बनाकर सकारात्मक रुख अपनाएं। आप क्या सोचते हैं? आपका मन किस गुंताड़े में लगा रहता है? इसका किसी और को क्या पता? पता चलेगा तो उस सोच से प्रेरित आपके रवैये को देखकर। रवैया सकारात्मक रहे, इसके लिए मन को भी भला चंगा रखना होगा। मेरा किसी को परवाह ही नहीं, हर कोई खुद में ही मस्त है। अगर अकेले में आपको ऐसे विचार बार बार आते हैं तो समझ ले कि आपका दिमाग वास्तविकता की बजाय भावनाओं में ही रमा हुआ है। ऐसे में आपको हमेशा अकेलापन लगेगा और आप स्वयं को एक पीड़ित की तरह देखने लगेंगे। आप चिंताग्रस्त रहने लगेंगे और ऐसे में कई बार जाने अनजाने में हम अपराध बोध के शिकार हो जाते हैं। जीवन की तमाम परिस्थितियों के लिए स्वयं को ही उत्तरदायी मानने लगते हैं और यह भाव स्थिर हो जाता है कि मैंने ही कुछ गलत किया है, किंतु वास्तविकता इससे इतर होती है। ऐसी कई स्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है जिनमें नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है। इनसे कैसे बचे और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखे, उसके लिए ये उपाय कारगर साबित हो सकते हैं। विफलता का डर। आपका बहुत मन करता है कि दोस्तों को एक सरप्राइज पार्टी दी जाए, लेकिन आप हमेशा अपने इस विचार को छोड़ देते हैं। कारण कि आपको डर लगता है कि पार्टी में कोई हंगामा न खड़ा हो जाए, पार्टी में परोसे गए व्यंजन बेस्वाद न बन जाए, कहीं कोई दुर्घटना या आगजनी न हो जाए, आदि आदि। यानी आप वास्तविक संभावनाओं को दरकिनार करते हुए बुरी से बुरी आशंकाओं पर अधिक विचार करते हैं। क्या करें, मैं सब संभाल सकता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की पॉजिटिव इमोशंस एंड साइकोफिजियोलॉजिकल लैब में डायरेक्टर बारबरा फेडरिक्सन कहती है, खुद को समझाए कि नकारात्मकता दरअसल आपको संभावित समस्याओं के प्रति सचेत करने के लिए है। फिर अपने दिमाग का आभार प्रकट करे कि उसके वजह से आप इतने सुरक्षित और सफल रहते हैं। साथ ही आपको एक मूल मंत्र नोट कर लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, यह भावना आपके मन को हमेशा संबल और दृढ़ता प्रदान करेगी। कोशिश करने से परहेज। आपको अचानक अखबार या सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी पसंदीदा जॉब वैकेंसी की सूचना मिलती है, आप पल भर के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन अगले ही पल आपका मन बुझ जाता है, क्योंकि आप अपनी योग्यता से अधिक अपनी कमियां गिनने लगते हैं। फिर यह विचार उपजता है कि मेरा नंबर कौन सा आने वाला है, छोड़ो, समय बर्बाद करके क्या फायदा। दरअसल आप कोशिश से पहले ही बुरे परिणामों का पूर्वानुमान लगाते हैं। क्या करें, समय की यात्रा न करें। बारबरा कहती है, हमारी ज्यादातर नकारात्मकता मानसिक रूप से टाइम ट्रैवल करने से आती है। तात्कालिक नकारात्मकता से उबरने के लिए आप सबसे पहले अपने दिमाग को अपने वास्तविक माहौल में लाइए, फिर धीरे धीरे अपनी सकारात्मक चीजों पर ध्यान दीजिए। एक एक कर आपको अपनी क्षमताओं का अनुभव होने लगेगा और उसी समय यह प्रण करे कि आपको अपनी पूरी ऊर्जा के साथ यह काम करना है और उसे अपना लक्ष्य बना ले। हर शाम दिन भर की अच्छी बातें, घटनाएं और उपलब्धियां लिखे और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। ध्यान और योग को भी दिनचर्या में शामिल करें, इससे नकारात्मकता से उबरने में काफी मदद मिलेगी। जिम्मेदारी से मुक्ति। आप कई बार अपने आसपास होने वाली हर बुरी चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। कोई किसी मीटिंग अथवा किसी पार्टी में आपके जाते ही निकल जाता है तो आपको लगता है कि वह आपके व्यवहार से नाराज है। यह आत्महीनता के कारण होता है। क्या करें, सबकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। सबसे पहले आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि दुनिया में या आपके इर्द गिर्द हो रही हर बात के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रेडम के वैज्ञानिकों का कहना है कि कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो तो आप एक बार वहां की दहलीज पार करके बाहर आए और एक नए सिरे से पूरी बात सोचे। आपकी सोच में इससे काफी अंतर आ जाएगा। मनोचिकित्सक एवं यू आर नॉट योर ब्रेन की लेखिका रेबेका ग्लैडिंग कहती है कि आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि दूसरों के मूड पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इस दुनिया में आप सिर्फ अकेले नहीं रहते, दूसरे लोग भी हैं जिन्हें आपकी या अन्य चीजों की परवाह करनी चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या किया जाए? द हैप्पीनेस ट्रैप पुस्तक में मनोविज्ञानी रस हैरिस ने लिखा है कि इस स्थिति में आपको अपनी अनुभूतियों से
जरा दूरी रखनी चाहिए और सच्चे मन से वास्तविकता को पहचानना चाहिए। मैं अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता आदि अस्थाई मानसिक स्थिति की भावनाएं हैं। इन्हें आपको हवा में उड़ाना सीख लेना चाहिए। आप चाहे तो ऐसा सोचने के लिए खुद का मजाक भी उड़ा सकते हैं। आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं।